लखनऊ में समाजवादी पार्टी का जोशीला जमावड़ा लगा हुआ है। इसी कड़ी में जनतंत्र टीवी ने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहना है दिग्गज नेताओं का। लगता है कि खास तौर से पूरे देश में यूथ को लेकर जो पॉलिटिक्स की जा रही है, आनंद जी क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कितना युवाओं को आकर्षित कर पाएगी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो सोच है, सबसे ज़्यादा वो प्रेफरेंस जो है वो युवाओं को दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी इस देश में युवाओं की है और पूर्ण रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा युवाओं को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पूरा योगदान उनका युवाओं के प्रति हमेशा है और रहेगा। अच्छा, आपको लगता है यूथ के लिए समाजवादी पार्टी सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है, जबकि बीजेपी कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि यूथ उनके साथ जुड़ रहा है? ये सरासर गलत है, केवल अफवाह उड़ा रहे हैं ये लोग। सबसे ज़्यादा युवा अगर किसी के साथ है पूरे देश में तो समाजवादी पार्टी के साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ। एक आखिरी सवाल आनंद जी, आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी और यूथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस समय? इस समय इन फांसीवादी ताकतों को पूरी ताकत से अपने मन को, मनोबल को बढ़ाकर इनको फेस करना है और हर एक क्षेत्र में इनका जवाब मुंह तोड़ देना है, जिससे समाजवादी पार्टी मजबूत हो सके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे समाजवादी पार्टी मजबूत हो सके, समाजवाद मजबूत हो सके, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। लोकतंत्र में ये किसी की सुनते नहीं हैं, अपने मन की बात कहते हैं और दूसरे की मन की बात को सुनते नहीं। जनतन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर के समाजवादी लखनऊ में इकट्ठा हैं और आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव पर जो आज पेश किया गया है उस पर चर्चा हो रही है। तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो देश भर के आए हैं, प्रदेश भर के आए हैं। हमारे साथ त्रिभुवन दत्त जी हैं, विधायक हैं। त्रिभुवन दत्त जी, इस माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या ये माना जाए कि चुनाव की तैयारी में लग गई है समाजवादी पार्टी? देखिए, चुनाव की तैयारी तो चलती रहती है, लेकिन इस समय जो वर्तमान में देश और प्रदेश के हालात हैं, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े पैमाने पर समाज का हर तबका दुखी है और निश्चित तौर से कहीं न कहीं राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार कहा जाए, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हर समाज के लोगों को समता, स्वतंत्रता और बंधुता, भाईचारे का अधिकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी उस अधिकार को कहीं न कहीं ख़त्म करने की कोशिश में लगी हुई है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने का अभियान चल रहा है, जिस कड़ी में सदस्यता अभियान 5 जुलाई से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और आज आप देखे होंगे कि सरदार भगत सिंह, जो इस देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूमते हुए शहीद हुए थे, उनके जन्मदिन पर राज्य का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें ये प्रस्ताव पेश किया गया राजनीतिक और आर्थिक। निश्चित तौर से आज प्रदेश राजनीतिक परिस्थितियों से भी जकड़ा हुआ है और आर्थिक रूप से बड़े पैमाने पर हर समाज के लोग दुखी हैं, क्योंकि इस सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों की आय दुगना करेंगे। आपने देखा होगा कि दुगना करने के बजाय किसानों के पास जो आय थी वो भी ख़त्म हो गए, उनके आय के सारे स्रोत दिन प्रतिदिन ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इनके छुट्टा जानवर से किसान की फसलें नष्ट हो रही हैं। जी, मैं कहता हूँ कि आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज समाजवादियों के सामने क्या है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है, क्योंकि चाहे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हों, चाहे समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हों, उन्होंने समाज के हित में समाज को विचारधारा देने का काम किया था, एक विचारधारा दिया था कि समाज में समता, स्वतंत्रता और बंधुता पैदा हो, समाज में सामाजिक भाईचारा पैदा हो, समाज के हर वर्ग के लोग जो इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने का काम किए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बनिया हो, मुसलमान, यादव कुर्मी, कहाँ लोहार, हर समाज के हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हर समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं राजनीति का सहारा लेकर के
के तुष्टिकरण करने का काम कर रही है, समाज को बांटने का काम कर रही है और समाज में फूट डालो राजनीति करो के आधार पर समाज को तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए हम समाजवादियों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि समाज के अंदर जागरूकता पैदा करके समाज को भाईचारा और राम मनोहर लोहिया जी, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे संतों गुरुओं महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास हम करें। देश भर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ में इकट्ठे हुए हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं हूं जावेद अली जी के से मिलने आया हूं और उनसे बातचीत करने, और उनके पास सैकड़ों कार्यकर्ता हैं और बहुत बड़ी संख्या में अभी लोग बाहर भी खड़े हैं जिनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पूरे देश भर के समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता 2 दिन के अपने सम्मेलन में आए हैं और वो लखनऊ में इस बात पर विचार करेंगे कि उनकी अगली रणनीति क्या हो। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद जावेद अली जी। जावेद जी, आपको क्या लग रहा है कि जो जिस तरह से बैठक हो रही है, जिस तरह से तमाम पार्टियां हो हमलावर हैं, लोकसभा का चुनाव है, तमाम मुद्दे हैं, सबसे बड़ा क्या मुद्दा है जो वर्कर्स को एड्रेस किया जाना चाहिए? देखिए, ये समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे पार्टी के संविधान की अनिवार्यता है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर संगठन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए संगठन की समीक्षा और राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा इस सम्मेलन में की जाती है। उस संवैधानिक अनिवार्यता के चलते ये हमारा सम्मेलन हो रहा है। ये इत्तफाक है कि ये लोकसभा के चुनाव से पहले का सम्मेलन है, इसलिए लोग इसे लोकसभा के चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं। हमारी क्या रणनीति होगी, कल जब राष्ट्रीय सम्मेलन में राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत होगा उसमें उस रणनीति का खुलासा होगा और हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता उस प्रस्ताव पर अपने विचार रखेंगे, उसका समर्थन करते हुए अपनी बात रखेंगे और उसके बाद फाइनली जब अध्यक्ष जी समापन करेंगे सम्मेलन का तो उस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन को, राजनीतिक प्रस्ताव को एंडोर्स किया जाएगा। मुद्दे बहुत हैं देश के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 8 वर्षों में, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कोई डिलीवरी समाज के किसी भी वर्ग को दी नहीं है। वायदे बहुत लंबे चौड़े किए हैं लेकिन उपलब्धि के नाम पर एकदम जीरो है। तो यही मुद्दा है कि जनजीवन लोगों का बहुत कष्ट में हो रहा है इस सरकार के दौरान और लोग बेतहा परेशान हैं। हर तरीके से समाज के अंदर जहर घोला जा रहा है, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो यही सब मुद्दे हैं, इन पर चर्चा होगी और कल उसका उल्लेख राजनीतिक प्रस्ताव में होगा। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से एक थर्ड फोर्स को इकट्ठा किया जा रहा है, नीतीश जी आगे आ रहे हैं, ममता जी आगे आ रहे हैं, अखिलेश जी ने लोगों से मुलाकात की है, टीआरएस से मुलाकात की, आपको लगता है कि कांग्रेस के पहले एक बड़ा विकल्प बनाने की जरूरत है लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं उस पर समाजवादी पार्टी की नज़र है। चूँकि लोकसभा का चुनाव करीब है तो इस तरीके की एक्सरसाइजेज तमाम विपक्षी दल कुछ कांग्रेस के सहयोग से कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस को अलग रख करके कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी कही जाती है, हमारा दृष्टिकोण निश्चित रूप से राष्ट्रीय दृष्टिकोण है लेकिन हम उत्तर प्रदेश की पार्टी माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।